पेड़ काट रहा था शख्स, तभी उसके अंदर से निकला कुछ ऐसा कि उसके होश उड़ गए। यह पृथ्वी हमारा ही नहीं बल्कि अरब खरबों जीव जंतुओं का भी घर है। प्रकृति ने हमें बेहतर जीवन जीने के लिए बहुत सारे प्राकृतिक खजाने भी दिए हैं, जिसमें से सबसे कीमती खजाना है पेड़। जब तक इस दुनिया में पेड़ पौधे हैं, तभी तक इस धरती पर जीवन है। लेकिन हम इंसान आधुनिकता की दौड़ में भूल गए हैं कि यह पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी है। पेड़ पौधे सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी जरूरी है। कई पक्षियों कीड़ों का तो घर ही होता है इन पर। अगर हम इन्हें काटते हैं तो हम अपने साथ साथ सरे जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार पेड़ों को काटने पर कुछ ऐसा भी होता है जिससे मन दुखी हो जाता है। एक ऐसा ही वाकया अमेरिका के रहने वाले रेयान सॉन्डर्स के साथ हुआ, जिसके बाद उन्हें खुद से नफरत। हादरसल रेयान सॉन्डर्स के गार्डन में एक बहुत पुराना पेड़ था। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि इस पेड़ को काटकर हटा दिया जाए, और फिर वे कटर लेकर पहुंच गए पेड़ काटने। अभी पेड़ आधा ही कटा था कि उसके अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उस पेड़ के अंदर से एक काला सा कोई जीव निकल रहा था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पता चला कि वो एक सांप है। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि पेड़ काटने के दौरान उस सांप का आधा हिस्सा कट चुका है। आधा कट जाने के कारण वो सांप बहुत तड़प रहा था, जिसे देखकर रेयान को बहुत ही बुरा लगा और उन्हें अपने आप पर गुस्सा भी आने लगा। वो अपने आप को उस सांप की मौत का जिम्मेदार मानकर खुद से ही नफरत करने लगे। हमें भी ये याद रखना होगा कि पेड़ों के ऊपर और उसके अंदर भी बहुत सारे जीव रहते हैं, इसलिए पेड़ काटने से पहले हमें 10 बार सोचना जरूर चाहिए। पेड़ बचाओ जीवन गई बचाओ।